आपके लिए कुछ ट्यून्स को प्ले कर रहा हूँ जिसको आप ड्रम के साथ बजा सकते हैं। तो ड्रम की ट्रेनिंग के लिए आपको ये देखेंगे इसको मैं किस तरह प्ले कर रहा हूँ। नंबरिंग के साथ बताता हूँ किस तरह से वर्ड को बोलते हैं। देखें, रोज मार्च है सबसे पहले। 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। इसी को बहुत स्लो भी बजा सकते हैं और उसको स्पीड अप भी कर सकते हैं, जैसे कि और इसको बिल्कुल स्लो करेंगे कैसे, इसको इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद दूसरी ट्यून है जैसे वेलकम सॉन्ग हम प्ले करते हैं। वेलकम सॉन्ग में किस तरह से देखें, 1 1 2 1 2 3, 1 1 2 1 2 3, 1 1 2 1 2 3, 1 1 2 1 2 3। और इसकी जो नॉर्मल स्पीड है वो इस तरह से, 1 2 1 2 3, 1 1 2 1 2 3। इसको इस तरह से प्रैक्टिस करें आप, और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इस तरह से एक और मार्च है जो आप अक्सर प्ले करते हैं, वो है स्काउट मार्च। स्काउट मार्च में किस तरह से है, ठीक है, बड़े चले 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 चलो, चले चले चलो, चले चले चलो, चले चले चलो। इस तरह से इसको बस आप सिंपल प्ले करेंगे। और एक और मार्च, एक और है सॉन्ग, वो है ओल्ड मैकडोनल्ड सोल। ओल्ड मैकडोनल्ड सोल को किस तरह से आप प्ले करेंगे, इसको इस तरह समझ लें। देखें, उसका है Old MacDonald had a fall, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a fall, E-I-E-I-O. तो इस स्पीड को कायम रखें और बस स्लोली पैदल सिंगल पहले ये हाथ को वन बाय वन चलाने की कोशिश करें। इससे आपको आहिस्ता 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 रिदम को समझने में आसानी होगी। तो इसको सबसे पहले वो ये याद रखें कि आपका हाथ इस तरह ज़रूर चलना चाहिए। तो उम्मीद है कि इन ट्यून्स को प्ले करने के लिए आप स्टार्ट में इस तरह से प्ले करना सीख जाएंगे, और बाकी तमाम ट्यून्स के लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है कि हाथ को चलाने की ये प्रैक्टिस करनी है, जंप आना चाहिए। और इसी को स्लो कर दें बिल्कुल, इस तरह से इसको प्ले करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।